3.5 साल से जेल में, आरोप साइकिल चोरी, सारे सह आरोपी बेल पर रिहा, घर में सिर्फ 9 साल की बेटी, वकील को फीस नहीं दे सकते, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के वकील ने आज तक संपर्क नहीं किया। विशेश्वर उरांव झारखंड की जेल में बंद हैं। विशेश्वर का दर्द कम लग रहा है तो बिग पिक्चर देखिए। देश की जेलों में हर 100 में से 77 कैदी विचाराधीन हैं, यानी बिना दोष साबित हुए जेल में। ये दयनीय स्थिति सबूत है पुलिस के कारनामों की, नाइंसाफी की, अदालत के तारीख पर तारीख वाली स्थिति की। अदालत, पुलिस, मीडिया, सरकारी एजेंसी की वजह से जेल आबाद है और हजारों जिंदगियां बर्बाद। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? लेकिन उससे पहले एक बात कहनी है। क्विंट पर विशेश्वर उरांव जैसे बेजुबानों की कहानियां हम लगातार लाते हैं। हमारे इस काम में आप मदद कर सकते हैं क्विंट मेंबर बनकर। क्विंट मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से सवाल किया कि देश में ऐसे कितने कैदी हैं जिन्हें सजा पूरी होने के बाद भी छोड़ा नहीं गया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि 2019 तक 1031 कैदी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन जुर्माने का पैसा ना होने की वजह से जेल में हैं। इस पर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी ने जवाब में कहा कि ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस बहस के बीच एक अहम सवाल ये भी है कि भारत की जेलों में बिना अदालत से सजा मिले ही सालों साल लोग सजा क्यों काट रहे हैं, किसकी गलती है? हमेशा सुनते आए हैं, बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, मतलब बेल नियम है, जेल अपवाद। फिर भारत में बात बात पर जेल और महीनों बाद बेल किसी जंग जीतने जैसा क्यों बनता जा रहा है? आप जरा ये देखिए, 20 साल झेला सिमी सदस्य होने का झूठा आरोप, 122 लोग अदालत से बरी, छत्तीसगढ़ के 121 बेगुनाह आदिवासी 5 साल बाद रिहा, 11 इयर्स इन जेल अंडर एंटी टेरर लॉ, कश्मीरी मैन अक्यूटेड, आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप से 8 वर्ष बाद बाइज्जत बरी हुए 4 मेवाती। चलिए आपको भारत के जेलों की आंकड़ों के जरिए दर्शन कराते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक भारत के जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे। इसमें से सिर्फ 22% ही ऐसे थे जिनका दोष साबित हो चुका था, मतलब दोष साबित होने के बाद जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं 4,27,165 यानी करीब 77% अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनका जुर्म अब तक साबित नहीं हुआ है। अब इन जेलों की क्षमता की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2021 तक देश की कुल 1,319 जेलों में से औसतन हर 100 कैदियों के लिए बनी जगह में 130 कैदी रह रहे थे। उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में हर 100 कैदियों के लिए जगह पर करीब 200 कैदी रह रहे हैं। उत्तराखंड की हर 100 कैदियों के लिए मौजूद जगहों पर करीब 300 कैदी रह रहे हैं। NCRB के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा 90,000 अंडर ट्रायल कैदी हैं। इसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां करीब 59,000 से ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में करीब 31,000 कैदी बिना गुनाह साबित हुए सजा काट रहे हैं। झारखंड की 30 जेलों की कुल क्षमता 17,096 है, लेकिन यहां कैदियों की संख्या 22,006 है। इसमें से 17,141 अंडर ट्रायल कैदी हैं। अगर धर्म और जाति के हिसाब से देखें तो दलित, जो भारत की आबादी में करीब 17% या 16.5% हिस्सा रखते हैं, वो सभी विचाराधीन कैदियों में लगभग 21% और सभी दोषी कैदी का 21% हैं। इसके अलावा आदिवासी, जो भारत की आबादी का करीब 8.5% हैं या 9% मान लीजिए, उनकी संख्या अंडर ट्रायल कैदियों में से 10% है और सभी दोषियों में से 14%। भारत की जेलों में 100 में से 18 कैदी मुसलमान हैं, जबकि भारत की आबादी में उनका हिस्सा 14% है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के डेटा के मुताबिक देश भर की अदालतों में करीब 4,30,00,000 मामले लंबित हैं। वहीं करीब 21% मामले ऐसे हैं जो 5 साल से लेकर 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। जेल की हालत, पुलिस और जुडिशियल सिस्टम के हालात को समझने के लिए आप भारत की प्रथम नागरिक
यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुनिए। कौन लोग थे जेल में? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रीएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है। तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। सवाल है कि इतने मामले अंडर ट्रायल क्यों हैं? दरअसल इसकी कई वजह है। कई मामलों में जांच में वक्त लगता है, ये सही है, लेकिन इसके अलावा अदालतों में सालों से लंबित पड़े मामले, जजों की कमी, पुलिस तंत्र का बेजा इस्तेमाल, झूठे केसों में लोगों को फंसाना, मामूली विवाद में भी कई धाराओं के तहत कार्रवाई, किसी को जानबूझकर जेल में रखने के लिए अलग अलग मामले दर्ज करवाना, लोगों का आर्थिक रूप से कमजोर होना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जेलों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताती रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब बोलने से ज्यादा काम किया जाए। पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। बार बार कह रहा हूं, रिफॉर्म की जरूरत है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर कफील खान को ही देख लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर झूठा फंसाया गया, महीनों जेल में रखा गया। स्टूडेंट एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, आसिफ तन्हा और दिवांगना कलिता को ही देख लीजिए, महीनों UAPA के नाम पर उनकी आजादी छीनी गई। क्यों एक दिन भी किसी बेगुनाह को जेल में रहना होगा? क्यों? हजारों लोग सिर्फ तारीख और इंसाफ के इंतजार में जेल में ठूस दिए गए हैं। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?